फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं AI यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में। चाइना के अंदर की यूनिवर्सिटी है जहाँ पे कैमरास लगे हुए हैं कि क्लास में बैठा हुआ पीछे जो बच्चा है उसका एजुकेशन के ऊपर फोकस है या नहीं, क्या वो स्टडी के ऊपर फोकस कर रहा है, क्या वो अपने मोबाइल पे या लैपटॉप के ऊपर गेम्स खेल रहा है। और फ्रेंड्स, इतना ही नहीं, गूगल का सर्च इंजन, Amazon का Alexa और Apple का सीरीज और Netflix के मूवी रिकमेंडेशन, ये सारी की सारी टेक्नोलॉजी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी कि AI के ऊपर बेस्ड है। तो फ्रेंड्स, जानने की कोशिश करते हैं AI यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को। मेरा नाम है अदनान, आप देख रहे हैं टेक्निकल उस्ताद YouTube चैनल को। तो चलते हैं टेक्नोलॉजीज की दुनिया में। सब्सक्राइब करें टेक्निकल उस्ताद YouTube चैनल को और बेल आइकन को दबाएं लेटेस्ट टेक्नोलॉजी वीडियोस सबसे पहले देखने के लिए। दोस्तों, अगर पास्ट में हम थोड़ा पीछे जाएं तो 1940 से लेके 1950 में इसकी शुरुआत हुई थी जो कि AI यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के ऊपर बेस्ड है। यहाँ पे फ्रेंड्स, इस चीज़ को बनाने का ये मकसद था कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी कि कंप्यूटर्स को एक दिमाग दे देना। दोस्तों, अब अगर हम समझने की कोशिश करें कि आर्टिफिशियल यानी कि कंप्यूटर्स को एक दिमाग दे देना, इसको एक एग्जांपल से हम समझने की कोशिश करते हैं कि एक छोटा बच्चा होता है और उसको पहले खेल के सिखाया जाता है या स्कूल भेज के कुछ सिखाया जाता है या कुछ उसको बताया जाता है, छोटी छोटी इन्फॉर्मेशन उसमें पुट की जाती हैं। वैसे ही कंप्यूटर्स को डेटा प्रोवाइड करके हम कंप्यूटर को आहिस्ता आहिस्ता स्ट्रॉन्ग करते जाते हैं। और इसका मतलब है कंप्यूटर को एक दिमागी एजुकेशन दे देना, जिसको हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कहते हैं। फ्रेंड्स, यहाँ पर हम नॉर्मल टेक्नोलॉजी और AI की टेक्नोलॉजी का कंपेयर करते हैं आपस में कि ये क्या होती हैं और कैसे हम इसे फाइंड आउट कर सकते हैं। अब नॉर्मल टेक्नोलॉजी की बात करें तो हमारे पास माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस है, उसमें वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट सारी चीज़ें आ जाती हैं, तो वो हमारे पास नॉर्मल टेक्नोलॉजी है। लेकिन यहाँ पे अगर हम AI की बात करें तो AI में हमारे पास ChatGPT आता है, उसका वर्जन 1, 2, 3, 4, ठीक है। और इसके अलावा बहुत सारी और इसकी वेबसाइट्स, एप्लीकेशंस जो कि डिफरेंट वर्किंग करती हैं, ग्राफिक डिज़ाइनिंग आप कर सकते हैं, इसके अलावा आप फेस के ऊपर स्माइल लाना है तो वो कर सकते हैं, अपनी आवाज़ को चेंज करना है, जैसे ये वीडियो शूट हो रही है इसमें सबटाइटल लगाने हैं या इसकी लैंग्वेज को चेंज करना है, तो ये सारा काम जो है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस चुटकी में कर सकती है। अब यहाँ पर अगर हम माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की बात करें तो उसमें हम जितनी मर्ज़ी प्रेजेंटेशन बना लें, जितनी मर्ज़ी उसमें चीज़ें जो हैं वो ऐड कर दें, उसमें CVs बनाएं, अपने लेटर्स बनाएं, पेजेस लिखें, बुक्स लिखें, ठीक है, कोई भी आर्टिकल लिखें, कोई कंटेंट लिखें, ठीक है, तो उसमें वही चीज़ें रहेंगी जो चीज़ें उसमें हैं, हम उससे वही काम लेंगे जो कि प्रेजेंटेशन वाइज वर्क है। तो यहाँ पे फ्रेंड्स, अगर हम AI की बात करें तो AI के जो कैमराज होते हैं वो जब लगे होते हैं और उनके नीचे से जब गाड़ियाँ गुजरती हैं, ट्रैफिक सर्वाइव करती है, तो वो उन गाड़ियों का डेटा लेते रहते हैं, ठीक है, और उतने ही स्ट्रॉन्ग होते जाते हैं जितना डेटा अपने अंदर वो कंज्यूम करते रहते हैं। तो यहाँ पे फ्रेंड्स, एक चीज़ हमारी क्लियर होती है कि AI यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जितना भी डेटा अपने अंदर कंज्यूम करते हैं उतने ही स्ट्रॉन्ग हो जाते हैं। और आज फ्रेंड्स, अगर देखा जाए तो हर बंदा जो है वो यूज़ कर रहा है सोशल मीडिया को, फेसबुक को यूज़ कर रहा है, व्हाट्सएप को यूज़ कर रहा है, इंस्टाग्राम को यूज़ कर रहा है, यूट्यूब को यूज़ कर रहा है, गूगल को यूज़ कर रहा है, स्नैपचैट को यूज़ कर रहा है, डिफरेंट सोशल मीडिया को यूज़ किया जा रहा है। तो इसका मतलब है कि AI के पास इतना डेटा आ जाना चाहिए कि वो ह्यूमन से भी ज़्यादा तेज़ हो जाए। तो यहाँ पे फ्रेंड्स, हम इस चीज़ को समझने की कोशिश करते हैं कि AI के बारे में, AI की दो टाइप्स हैं, हम उसके बारे में थोड़ा सा जानने की कोशिश करते हैं। दोस्तों, यहाँ पे AI के दो टाइप्स होते हैं, एक टाइप का नाम होता है जनरल AI, दूसरी टाइप का नेम होता है नैरो AI। दोस्तों, अगर हम बात करें यहाँ पे जनरल AI के, तो जनरल AI जो होते हैं वो ह्यूमंस होते हैं। ह्यूमंस क्या करते हैं, वो खाना बनाते हैं, खाते हैं, सोते हैं, उठते हैं, बैठते हैं, गाते हैं, वो सारे काम कर सकते हैं जो कि एक इंसान कर सकता है। और अब दोस्तों, अगर हम नैरो AI की बात करें तो नैरो AI जो होता है वो डिपेंड करता है उस चीज़ के ऊपर जो उसमें ऐड किए होते हैं। अब देखिए, टेस्ला की गाड़ी है तो टेस्ला की गाड़ी चलती है यूएस में किसी सिटी में, तो अगर उस सिटी की गाड़ी को हम यूज्ड करें पाकिस्तान में, पाकिस्तान की किसी गली में, वहाँ पे वो इतना अच्छा वर्क नहीं करेगी जितना अच्छा वर्क वो वहाँ पे कर रही है, क्योंकि उसके अंदर जो डेटा सेट किया गया है वो जस्ट वही किया गया है जो उसको प्रोग्राम दिया गया है, ठीक है। वो US में बेटर परफॉर्मेंस देगी और पाकिस्तान में बैड परफॉर्मेंस देगी।
तो आज की डेट में फ्रेंड्स हमारे पास नैरो AI है, जिसको हम कहीं भी यूनिवर्सिटीज़ में यूज़ कर सकते हैं, अपने काम में यूज़ कर सकते हैं, ऑफिस में यूज़ कर सकते हैं, बहुत सारे डिफरेंट प्लेसेस के ऊपर यूज़ कर सकते हैं। मैं उम्मीद करता हूँ कि गाइज आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, आपको AI यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में अच्छे से पता चल गया होगा, इसके बेसिस क्लियर हो गए होंगे। अगर वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक करें, चैनल के ऊपर नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, क्योंकि लेटेस्ट टेक्नोलॉजीज के लेटेस्ट डेली वीडियोज अपलोड होती हैं। अपना ख्याल रखिएगा, थैंक यू फॉर वॉचिंग, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।